हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम एक्टिव लिसनिंग एंड फीडबैक सेक्शन में तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग के कौन कौन से साइंस होते हैं। एंड द थर्ड इज बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग में कौन कौन से बैरियर्स यानी कि रुकावटें आती हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्टिव लिसनिंग एग्जैक्टली इज। Active listening is a skill that can be acquired and developed with practice. Active listening वो skill है जिसको हम acquire कर सकते हैं, develop भी कर सकते हैं practice के जरिए। Without practice हम इसको develop नहीं कर सकते। Active listening means fully concentrating on what is being said rather than just passively hearing the message of the speaker. और active listening का मतलब होता है कि जो भी कहा जा रहा है हमें, हम उस पर fully concentrate करें बजाय कि सिर्फ उसको सुनने के। हियरिंग और एक्टिव लिसनिंग में ये डिफरेंस है। हियरिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमें सुनाई दे रही है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उसको हम हियरिंग बोलते हैं। जैसे कि पंखे की आवाज़, बाहर का ट्रैफिक, बहुत सारे शोर जो हम सुनते हैं हर टाइम, उसको हम हियरिंग बोलते हैं। और जब हम किसी चीज़ पर फुली कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम उसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग विथ ऑल सेंसेस। और एक्टिव लिसनिंग में जो हमारे जो सारे सेंसेस हैं, आँख, कान, मुंह, हम ऑलमोस्ट सारे सेंसेस को उसी जगह पे फुली कॉन्सेंट्रेट करते हैं और चीज़ों को सुनते हैं। अपार्ट फ्रॉम गिविंग वंस फुल अटेंशन टू द स्पीकर, जो स्पीकर है हम उनको अपने आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर हम माइंड में सोचते हैं कि उन्होंने जो बोला है हम उसको प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए लिसनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, तत्व है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी हम दो या दो से अधिक लोगों से बातें करते हैं उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। लिसनिंग इज नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपन्स, लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस in which a conscious decision is made to listen to and understand the message of the speaker. तो जैसे हमने पहले ही बताया कि listening और hearing में बहुत ज़्यादा difference है। तो hearing हमारा passive process होता है, हम बहुत सारी चीज़ें को सुनते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। बट listening एक active process है जिसमें कि उस समय मैं conscious decision लेता हूँ, फैसला लेता हूँ कि उस time जो speaker बोल रहा है मुझे वो सुनना है और उनके मैसेज को समझने की कोशिश करनी है। लिसनर्स शुड रिमेन न्यूट्रल एंड नॉन जजमेंटल, दिस मींस ट्राइंग नॉट टू टेक साइड्स ऑफ फॉर्म ओपिनियंस स्पेशली अर्ली इन द कॉन्वर्सेशन। एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो अबाउट पेशेंस, पॉजेज एंड शॉर्ट पीरियड्स ऑफ साइलेंस शुड बी एक्सेप्टेड। अब मुझे अगर कोई भी स्पीकर का, अगर मैं एज ए लिसनर कोई भी बात सुन रहा हूं तो मुझे न्यूट्रल रहना है, मुझे कोई भी पक्ष पात नहीं करना है, मुझे नॉन जजमेंटल भी रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्पीकर पसंद नहीं है जो स्पीकर कह रहा है, हो सकता है कि वो बात सही ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनकी बातों को नहीं सुनना है। मुझे अपनी कोई भी ओपिनियन नहीं बतानी है उनके बीच में अगर मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी ओपिनियन लेके बैठा रहूँगा या फिर जजमेंटल रहूँगा कि उस स्पीकर को कुछ नहीं पता है, तो मेरी जो लिसनिंग होगी उसमें बैरियर ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि मैं उनके बातों को नहीं सुनूंगा। और इस प्रोसेस में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि मैं मिस आउट कर दूं। और एक्टिव लिसनिंग में पेशेंस बहुत ही बड़ा फैक्टर है क्योंकि हम डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में भी लोगों को सुनते कम है और हम बोलते ज्यादा हैं, तो इसके लिए पेशेंस चाहिए, पॉजेस भी चाहिए। अगर मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं तो उसके बीच में मुझे एक ठहराव की भी जरूरत पड़ती है, और कॉन्वर्सेशन में शॉर्ट पीरियड्स ऑफ साइलेंस भी हमें एक्सेप्ट करना होता है। शॉर्ट पीरियड्स इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं और बीच में कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ साइलेंस नहीं होगा तो हमें प्रोसेस करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव पेशेंस व्हाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी। Listeners should not be tempted to jump in with questions or comments every time there are few seconds of silence. Active listening involves giving the other person time to explore their thoughts and feelings. They should therefore be given adequate time for that.
एज अ लिसनर मेरा ये ड्यूटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं बीच में कॉन्वर्सेशन के कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। अगर उधर से स्पीकर हमें अलाउ करें क्वेश्चंस के लिए, देन इट्स फाइन टू आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन, अदरवाइज नो क्वेश्चंस और नो इंटरप्शंस बिटवीन द कॉन्वर्सेशन एंड नो कॉमेंट शुड बी मेड। तो कोई कॉमेंट ही बनाना है, बीच में कोई कॉमेंट नहीं करना है, ऐसे फ्लो हमारा टूट जाएगा। और एक्टिव लिसनिंग में हम एज ए स्पीकर और एज ए लिसनर हम एक दूसरे को टाइम देते हैं जो भी हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए, और हम उनको एडिक्वेट टाइम देंगे, सफिशिएंट टाइम देंगे ताकि जो भी हमने सुना है या फिर कहा है उसको हम प्रोसेस कर पाए अपने माइंड में। एक्टिव लिसनिंग नॉट ओनली मीन्स फोकसिंग फुली ऑन द स्पीकर बट ऑल्सो एक्टिवली शोइंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस ऑफ लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग में सिर्फ मैं सिर्फ स्पीकर को नहीं देखूंगा कि वो क्या बोल रहे हैं या फिर उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का है, बल्कि हमें भी एज अ लिसनर मुझे वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस ऑफ लिसनिंग देनी है। वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होते हैं? ये वर्बल साइन ये होता है कि अगर स्पीकर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो बीच में पूछते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, तो हम यस और नो में आंसर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वर्बल। एंड नॉन वर्बल होता है जब हम हेड नोड करते हैं, सिर को हिलाते हैं या सिर को घुमाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल साइंस ऑफ लिसनिंग। और आई कॉन्टेक्ट भी नॉन वर्बल में आता है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर मेकिंग आई कॉन्टेक्ट विद द स्पीकर, दैट मीन्स वी आर लिसनिंग एंड वी आर ऑल्सो सेंडिंग आउट द मैसेज टू द स्पीकर, यस दैट वी आर देयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, अब हम देखते हैं कि एक्टिव लिसनिंग के कौन कौन से साइन होते हैं। नॉन वर्बल साइंस ऑफ अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। सो फर्स्ट विल डिस्कस नॉन वर्बल साइंस ऑफ अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। सो फर्स्ट इज स्माइल, मुस्कुराहट। अ स्माइल कैन बी यूज्ड टू शो दैट द लिसनर इज पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग सेड और एज अ वे ऑफ अग्रीइंग और बीइंग हैप्पी अबाउट द मैसेज बीइंग रिसीव्ड। सो एज अ लिसनर अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, सो ये स्पीकर को साइन देता है कि हाँ आप सच्ची में उनकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, आप अटेंशन पे कर रहे हैं आप, और आप उनसे अग्री भी कर रहे हैं, सहमत भी कर रहे हैं, और आप हैप्पी हैं, यानी कि आप सच्ची में उस टॉपिक को सुन रहे हैं। द सेकेंड इज कंबाइंड विद नोट्स ऑफ द हेड, अ स्माइल कैन बी पावरफुल इन अफर्मिंग दैट मैसेजेस आर बींग लिसन टू एंड आर बींग अंडरस्टूड। स्माइल के साथ साथ अगर मैं हेड नोड करूंगा, सिर हिलाऊंगा, तो इसे एज ए स्पीकर मुझे समझ आएगा कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। नेक्स्ट इज आई कॉन्टेक्ट। इट्स नॉर्मल एंड यूजली इनकरेजिंग फॉर द लिसनर टू लुक एट द स्पीकर। आई कॉन्टेक्ट कैन हाउएवर बी इंटिमिडेटिंग, स्पेशली फॉर मोर शाई स्पीकर्स। गेस हाउ मच आई कॉन्टेक्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर एनी गिवन सिचुएशन। कंबाइन आई कॉन्टेक्ट विथ स्माइल्स एंड अदर नॉन वर्बल मैसेजेस टू इनकरेज द स्पीकर। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आप स्पीकर से आई कॉन्टेक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप स्पीकर को इनकरेज कर रहे हो, और इससे स्पीकर को भी लगता है कि आप उनकी बातों को सुन रहे हो अच्छे से। पर एट टाइम्स कभी कभी आई कॉन्टेक्ट डराने वाला भी हो जाता है, इंटिमिडेटिंग हो जाता है, स्पेशली उन स्पीकर्स के लिए जो शर्माते हैं। तो आपको आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको थ्रू आउट द स्पीच आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। अगर आई कॉन्टैक्ट आप पूरे सेशन में बना के रखेंगे, तो स्पीकर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ओके, तो हमें आई कॉन्टैक्ट बनाना भी है, उसके साथ साथ हमें स्माइल भी देना है, और नॉन वर्बल मैसेजेस भी हमें स्पीकर को देना है, सो दैट हम उन्हें बता पाए कि हम उनकी स्पीच में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई कॉन्टैक्ट और ग्लेयरिंग इज घूरना और स्टेयरिंग, आई कॉन्टैक्ट और स्टेयरिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्टेयरिंग होता है कि आप कॉन्स्टेंटली स्पीकर को देख रहे हो, और आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि कभी आप की तरफ भी देख रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, और कभी आप इधर उधर भी चीजों को देख रहे हैं, सो दैट दोनों आप कंफर्टेबल पोजीशन। नेक्स्ट इज पोस्चर। पोस्चर कैन टेल अ लॉट अबाउट द सेंडर एंड द रिसीवर इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। द अटेंटिव लिसनर टेंड्स टू लीन स्लाइटली फॉरवर्ड और साइडवेज व्हाइल सिटिंग। अदर साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग में इंक्लूड अ स्लाइट स्लांट ऑफ द हेड और रेस्टिंग द हेड ऑन वन हैंड। तो हमारे जो बॉडी की जो पोजिशन है वो भी बहुत कुछ बताता है एज अ सेंडर रिसीवर। तो जो लोग अटेंटिव लिसनर होते हैं वो थोड़े आगे की साइड झुक के बैठते हैं, या फिर साइड चेयर पे अगर आप बैठे तो एक साइड आप बैठते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप सच्ची में इंटरेस्टेड हैं। मिररिंग,
ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन और मिररिंग ऑफ एनी फेशियल एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय द स्पीकर कैन बी अ साइन ऑफ अटेंटिव लिसनिंग. मिररिंग इज वेरी सिंपल, मिरर का मतलब है शीशा. ओके, तो जैसे हमारे जो स्पीकर हैं, अगर कोई स्पीकर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है तो ऑब्वियसली उनकी जो ऑडियंस होगी वो भी एनर्जी से भरी होगी. अगर हमारा स्पीकर कोई बहुत ही ज्यादा लेजी है, आवाज में उतनी मजबूती नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली हमारी जो ऑडियंस होगी वो भी सेम हो जाएंगी. ठीक, सो दिस इज कॉल्ड मिररिंग थिंग. दीज रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशंस कैन हेल्प शो सिंपथी एंड एम्पथी इन मोर इमोशनल सिचुएशंस. सो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम किसी के साथ सहानुभूति जताते हैं, सिंपथी और एम्पथी दिखाते हैं जब कोई इमोशनल सिचुएशन है तब. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई सैड स्टोरी सुना रहा हूँ एज अ स्पीकर, तो आप बहुत ही ज्यादा उस सैड मोमेंट में चले जाएंगे. अगर मैं आपको कुछ फनी चीजें सुना रहा हूँ तो आप भी उस फनी मूड में आ जाएंगे. सो दिस इज हाउ मिररिंग हेल्प्स एज अ स्पीकर. नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन. द एक्टिव लिसनर विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड एंड देयरफॉर विल रिफ्रेन फ्रॉम fidgeting, looking at the clock or watch, doodling, playing with their hair or picking their fingernails. So, अगर मैं active listener हूँ तो कोई भी distraction, यानी कि मेरा ध्यान कोई भटका नहीं पाएगा. Okay? मैं घड़ी की तरफ नहीं देखूंगा, दीवार घड़ी की तरफ या अपनी घड़ी की तरफ, या doodling sheet पे मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, या फिर मैं अपने नाखूनों को नहीं चबाऊंगा, या fine. So, distractions नहीं होंगी अगर मैं active listener हूँ तब. Now let's discuss verbal signs of attentive or active listening. A verbal signs come discuss karte. The first is positive reinforcement. Although some positive words of encouragement may be beneficial to the speaker, the listener should use them sparingly so as not to distract from what is being said or place unnecessary emphasis on parts of the message. So positive reinforcement ka matlab hota hai ki jo bhi speaker keh rahe hain aur main usse agar agree karta hu to main bolunga yes that's correct sir. फाइन, तो हम जब वर्बल मैसेजेस उनको देंगे तो उनको भी समझ आएगा कि यस वी आर ऑन द सेम पेज, हम साथ साथ चल रहे हैं. पर बार बार किसी चीज को कहने के लिए कि वी अग्री और यस सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बार बार अगर आप कहेंगे तो इसका थोड़ा इफेक्ट बहुत कम पड़ जाता है. तो आप उस वहीं पे हमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट उसी चीज पे करना जब आप कोई किसी चीज के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं तब. Remembering a few key points or even the name of the speaker can help to reinforce that the messages sent have been received and understood. Listening has been successful. बहुत सारे ऐसे instances होंगे, example situations होंगी जहाँ पे आपको जो speaker हैं वो आपको lecture देते होंगे. Maybe हर दिन आपको lecture दे रहे हैं, या फिर maybe weekly और monthly. अगर आपको स्पीकर का नाम पता है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्पीकर का नाम जानते हैं तो इससे हमारा जो बॉन्ड, जो कनेक्शन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. फाइन, और जो मैसेजेस जो हम रिसीव करते हैं वो हमें ज्यादा समझ भी आता है. सो दिस इज कॉल्ड रिमेम्बरिंग. या फिर इसके अलावा रिमेम्बरिंग डिटेल्स, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस proves that attention was kept and is likely to encourage the speaker to continue. या फिर हो सकता है कि पिछला जो सेशन मेरा गया है उसमें से मुझे कुछ डिटेल्स पता है, कुछ आइडियाज पता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स पता है. अगर मुझे वो सब चीज पता है तो स्पीकर का मेरे में ट्रस्ट ज्यादा आएगा. अगर एज एन ऑडियंस अगर हम बात करें, ऑडियंस को पिछले टॉपिक्स पता है तो स्पीकर को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, और स्पीकर ये भी सोचेंगे कि जो मैंने इनको पिछली बार बताया था इनको अभी तक याद है. क्वेश्चनिंग, द लिसनर कैन डेमोंस्ट्रेट दैट दे हैव बीन पेइंग अटेंशन बाय आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड और मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट बिल्ड और हेल्प टू क्लैरिफाई व्हाट द स्पीकर हैज सेड. इट्स प्रीटी सिंपल. अगर आप कोई स्पीकर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीच में, और रेलिवेंट क्वेश्चन जो भी टॉपिक का बताया जा रहा है हमें, हम उसे रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछें, यानी कि उसी से रिलेटेड पूछेंगे, तो इससे स्पीकर को लगेगा यस दैट आप उनकी बातों को सुन रहे हैं. और बीच बीच में, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है क्वेश्चनिंग का, कि जो भी मेरे को डाउट बीच में आ रहे हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे वो. बाय आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चन द लिसनर्स ऑल्सो हेल्प्स रीइंफोर्स दैट दे हैव एन इंटरेस्ट इन व्हाट द स्पीकर हैज बीन सेइंग. और अगर मैं रिलेवेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा टॉपिक से, तो स्पीकर को हम पे एक पहले तो ट्रस्ट आता है, और सेकंड एज ए लिसनर मैं ये शो करता हूं कि मेरा उस टॉपिक में इंटरेस्ट है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्टिंग इज क्लोजली रिपीटिंग और पैराफ्रेजिंग व्हाट द स्पीकर हैज सेड इन ऑर्डर टू शो कॉम्प्रीहेंशन. रिफ्लेक्शन
में हम क्या करते हैं कि जो भी स्पीकर ने कहा है, जो टॉपिक पे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उनकी बातों को अपने शब्दों में कहना, रिपीट करना, हम जिसको हम पैराफ्रेजिंग बोलते हैं. सो ये दिस इज पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज अ पावरफुल स्किल दैट कैन रीइंफोर्स द मैसेज ऑफ द स्पीकर एंड डेमोंस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग. फॉर इंस्टेंस, एज अ स्पीकर, मैंने आपको एक मोटर के बारे में बताया कि मोटर किस तरह से काम करता है. फाइन, मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है. अब एज अ लिसनर, अब आप बोल रहे हैं मुझे, अच्छा तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो मशीन है वो इस तरह से काम करती है, यानी कि जो मैंने आपको बताया है वो आप अपनी लैंग्वेज में दोबारा से मुझे बता रहे हैं, आप मुझे कंफर्म कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं चीजों को, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाइंग इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द स्पीकर टू इंश्योर दैट द करेक्ट मैसेज हैज बीन रिसीव्ड. क्लैरिफिकेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ओपन क्वेश्चंस व्हिच इनेबल्स द स्पीकर टू एक्सपैंड ऑन सर्टेन पॉइंट As necessary. तो यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन, अगर मुझे किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मैं क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चंस पूछूंगा, रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछूंगा, और ये ओपन क्वेश्चंस होने चाहिए. ओपन क्वेश्चंस का मतलब होता है जो WH फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक, ओपन क्वेश्चंस होने चाहिए. येस नो वाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए. ओपन होंगे तो मुझे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक में. द नेक्स्ट इज समराइजेशन. रिपीटिंग अ समरी ऑफ व्हाट हैज बीन सेड बैक टू द स्पीकर इज अ टेक्निक used by the listener to repeat what has been said in their own words. अब यहाँ पे summarization हम करें. Summary सभी को पता है कि क्या होता है. किसी भी long explanation को हम जब short में बताते हैं तो उसको हम summarization बोलते हैं. और summarization listener कर सकते हैं. Listener क्या करेंगे, जो हमने इससे पहले paraphrasing technique सुना है, discuss किया है, तो same summarization में भी यही होता है. So as a listener मैं चीज़ों को summary कर सकता हूँ at the end of the conversation, जब हमारी बातें खत्म हो चुकी हैं तब. Summarizing involves taking the main points of the received message. तो जो भी message मुझे मिला है मैं क्या करूँगा, सिर्फ main points को summarize करूँगा. And reiterating them in a logical and clear way. और मुझे अच्छे logical way में और clear way में समझाना है. Giving the speaker a chance to correct if it is necessary. तो last में मुझे क्या करना है, जो भी topic speaker ने हमें बताया है उसकी मैं summary करूँगा main points को लेकर स्पीकर के सामने. तो अगर स्पीकर को लगता है कि कहीं भी करेक्ट करने का कोई चांस है तो स्पीकर वहां पे कर देंगे और इसे सभी लोगों को समझ भी आ जाएगा. कॉमन बैरियर्स टू लिसनिंग. अब हम कॉमन बैरियर्स टू लिसनिंग डिस्कस करते हैं कि लिसनिंग में कौन कौन से रुकावटें आती हैं. द फर्स्ट इज ट्राइंग टू लिसन टू मोर देन वन कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम. जब आप एक बार में एक से ज्यादा कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आप किसी पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे. This includes having the television or radio on while attempting to listen to somebody talk. TV भी चला के आप बैठे हैं, रेडियो भी आप सुन रहे हैं और फिर आप और किसी की बात सुन रहे हैं. Being on the phone to one person and talking to another person in the same room and also being distracted by some dominant noise in the immediate environment. Obviously, एक से ज़्यादा conversation आप सुनेंगे तो obviously आप किसी पे focus नहीं कर पाएंगे. So this is the first common barrier. You find the communicator attractive, unattractive, and pay more attention to how you feel about the communicator and their physical appearance than to what they are saying. You're not interested in the topic issue being discussed and become bored. So, हमें स्पीकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है या अनअट्रैक्टिव लग रहा है. अगर अट्रैक्टिव लगेगा तो हम स्पीकर को सिर्फ देखते रहेंगे, फाइन, और हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे. और अनअट्रैक्टिव लगेगा तो ऑब्वियसली हम उनकी किसी भी बात को ध्यान नहीं देंगे. और हो सकता है कि टॉपिक और जो इशू जो डिस्कस किया जा रहा है उसमें मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. सो ये भी दूसरा कॉमन बैरियर है लिसनिंग का. फीलिंग अनवेल और टायर्ड, हंग्री, थर्स्टी और नीडिंग टू यूज द टॉयलेट. ऑब्वियसली अगर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ, भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है, फिर मुझे टॉयलेट जाना है, तो मैं स्पीकर की कोई सी बात पे ध्यान नहीं दूंगा. तो ये भी हमारा एक बैरियर है. द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग रादर देन एम्पैथाइजिंग. Understanding what you are hearing, but not putting yourself in the speaker's shoes. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम empathize बिल्कुल नहीं कर रहे. Empathize का मतलब होता है कि अपने आप को सामने वाले के situation में रख के देखना. तो आप जो speaker बोल रहे हैं आप सिर्फ hearing कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप, पर आप speaker ऐसा क्यों बोल रहा है, speaker के जगह पे आप अपने आप को नहीं रख के सुन रहे हैं. So ये भी एक barrier बन जाता है.
एज मोस्ट ऑफ अस हैव अ लॉट ऑफ इंटरनल सेल्फ डायलॉग, और हम अपने मन में ही बहुत सारे सेल्फ डायलॉग करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लिसनिंग टू आवर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, और फिर हमारे माइंड में कुछ और थॉट्स आने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगती है. तो हमें स्पीकर को समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो ऐसी चीज क्यों बोल रहे हैं. द नेक्स्ट इज सिंपथाइजिंग रादर देन एम्पथाइजिंग. सिंपथी इज नॉट द सेम एज एम्पथी. तो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स हैं, सिंपथी एंड एम्पथी. सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, और एम्पथी का मतलब भी हिंदी में सहानुभूति दिखाना, बट ये दोनों वर्ड टोटली अलग हैं. यू सिंपथाइज व्हेन यू फील सॉरी फॉर द एक्सपीरियंसेस ऑफ अनदर. टू एम्पथाइज इज टू पुट योरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ द अदर पर्सन. सिंपथी सिंपल है कि हम किसी पर दया दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं. तो जब भी हम किसी गरीब इंसान को देखते हैं रोड पे, तो हम उनसे सिंपथाइज करते हैं. फाइन, तो इसलिए हम उनको कुछ पैसे दे देते हैं, या फिर हम कुछ भी खाने की चीजें दे देते हैं, उसे बोलते हैं सिंपथाइज. एम्पथाइज का मतलब होता है कि आप सामने वाले जो व्यक्ति है, पर्सन है, उनकी जगह पे अपने आप को रख के देख रहे हो. एम्पथाइज हम किससे करते हैं? हम अपने दोस्तों फैमिली मेंबर से करते हैं, या फिर उन लोगों से जिनको हम जानते हैं. मेरे फ्रेंड की कोई बाइक चोरी हो गई है, और मैं उसके साथ सिंपथाइज नहीं करूंगा, मैं एम्पथाइज करूंगा. मैं उसको बोलूंगा कि मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा फील कर रहे होंगे, ठीक है. पर जो रोड पे जो इंसान जो बैठा होता है, आप उनके साथ ये नहीं बोलते हो, आप उनको नहीं बोलते कि मैं समझ सकता हूं कि आप रोड पे बैठे कैसा लगता है. फाइन, तो सिंपथाइज आप रोड वाले इंसान के साथ आप हमदर्दी दिखाओगे, आप दया दिखाओगे. जो दोस्त है, आप उनको उनकी जगह पे अपने आप को रख के दिखा रहे हो. अब फिर आप अपने दोस्त को दिलासा दोगे, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, चलो थोड़ा मूव ऑन करते हैं हम. तो दिस इज कॉल्ड एम्पथाइज. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपथाइज एंड एम्पथाइज. और स्पीकर के साथ मुझे एम्पथाइज करना है, सिंपथाइज नहीं. उस स्पीकर को दया की कोई जरूरत नहीं है, उसको आपकी सहानुभूति की जरूरत है इन अ पॉजिटिव मैनर. Prejudiced or biased by race, gender, age, religion, accent and or past experiences. तो हमारे मायने प्रेजुडिस यानी कि कुछ गलत धारणा है लोग के लिए, या कुछ पक्षपात है किसी जाति धर्म या लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, एक्सेंट के आधार पर, या फिर हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, बेकार एक्सपीरियंस रहा हो, उसके आधार पर भी हम नहीं सुनते स्पीकर को. जेंडर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फीमेल स्पीकर है आपके सामने, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि फीमेल मुझे क्या बताएंगी, इनसे ज़्यादा तो मुझे पता होगा, तो ये भी एक बैरियर हो गया. या फिर हो सकता है कि जो स्पीकर है उसकी उनकी एज आपसे कम हो, तो आप बोलोगे ये तो मेरे से कम एज का है और ये मेरे को क्या बता सकता है, तो मैं तो उसको सुनूंगा ही नहीं. फाइन, तो इस तरह से अलग अलग एक्सेंट रिलेटेड भी प्रेजुडिस होते हैं, रिलीजन बेस्ड होते हैं. फाइन, सो ये भी एक बैरियर है हमारे एक्टिव लिसनिंग में. Have preconceived ideas or bias. Effective listening includes being open-minded to the ideas and opinions of the others. This does not mean you have to agree, but should listen and attempt to understand. अब इफेक्टिव लिसनिंग में अगर आप पहले से अपना आइडिया कुछ लेके बैठे हुए उस टॉपिक के बारे में, या फिर आप पक्ष ले रहे हैं उस टॉपिक का, या फिर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बैरियर का काम करेगा. इफेक्टिव लिसनिंग में आपको ओपन माइंडेड होना पड़ता है, चाहे वो कोई भी आइडिया हो या कोई भी ओपिनियन हो, और जरूरी नहीं है कि आपको उसे अग्री करना ही है. आप अग्री मत करिए, पर उनकी बात को आपको सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि सभी लोगों के थॉट्स एक जैसे नहीं हो सकते. नेक्स्ट इज मेक जजमेंट्स. फॉर एग्जांपल, थिंकिंग दैट अ पर्सन इज नॉट वेरी ब्राइट और इज अंडर क्वालिफाइड, सो देयर इज नो पॉइंट लिसनिंग टू व्हाट दे हैव टू से. मैं पहले से जजमेंट बना के बैठा हूँ कि जो मेरे जो सामने स्पीकर हैं वो अंडर क्वालिफाइड है, मैं तो पीएचडी मैंने कर रखी है, ये ग्रेजुएट है और ये मेरे को कुछ नहीं समझा सकता, है ना. तो मैं जजमेंट बना के बैठ रहा हूँ, या फिर मैं ये जजमेंट बना के बैठ रहा हूँ कि ये तो दूसरे स्टेट से आया है और मैं तो शहर में पला बड़ा हूँ, यू नो, तो मेरी नॉलेज ज़्यादा होगी. तो मैं एज ए लिसनर मुझे जजमेंट बिल्कुल भी बना के नहीं बैठना है. नेक्स्ट है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. We are all influenced by previous experiences in life. We respond to people based on personal appearances, how an initial introduction or a welcome was received, and our previous interpersonal encounters. तो बहुत बार हमारे पास इतने experiences हो जाते हैं life में, और कुछ अच्छे experience होते हैं, कुछ बेकार experience भी होते हैं हमारे पास. तो उन experience को भी लेके मेरी communication में barrier आ जाता है. तो हो सकता है जो experience रहा हो मेरा past,
किसी भी चीज़ में वो अच्छा ना रहा हो सकता है मैं किसी स्पीच के लिए गया हूँ पहले भी, वर्कशॉप मान लेते हैं, मैं पहले भी वर्कशॉप में गया हूँ और मुझे वहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिला है, तो इस वर्कशॉप में मैं सोचूंगा कि पिछले जैसा ही होने वाला है तो इसमें भी मैं कुछ नहीं सीखूंगा। सो ये मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस का ये थॉट है पहले से ही। प्री ऑक्यूपेशन, व्हेन वी हैव लॉट ऑन आर माइंड्स वी कैन फेल टू लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड एज वी टू बिजी कॉन्सेंट्रेटिंग और वी आर थिंकिंग अबाउट। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड और वरीड अबाउट इश्यूज। ये तो कॉमन है। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि माइंड के अंदर बहुत सारी जो स्टोरीज चल रही हैं, मेरे पर्सनल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। अब स्पीकर सामने हमारे बात कर रहे हैं और मैं मेरे माइंड में वो सारी खिचड़ी पक रही है। सो दिस इज कॉल्ड प्री ऑक्यूपेशन। सो सुनने के लिए मुझे ये सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, फाइन। और मुझे ये भी बताना है कि सभी लोग के पास इश्यूज होते ही होते हैं, फाइन। फॉर टाइम बिंग उस समय के लिए ये मुझे हटाना है अपने दिमाग से। हैविंग अ क्लोज माइंड, वी ऑल हैव आइडियल्स एंड वैल्यूज दैट वी बिलीव टू बी करेक्ट एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू लिसन टू द व्यूज ऑफ अदर्स दैट कॉन्ट्रडिक्ट आवर ओन ओपिनियंस। हमारे माइंड में इतने सारे ओपिनियंस बचपन से ही भरे हुए हैं, बचपन से, एंड देन इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, तो हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हैं और आइडियल्स हैं जो कि बदलने से भी नहीं बदले जा सकते, अभी बहुत ही मुश्किल से बदलते हैं। तो अब ऐसी कोई बात स्पीकर कर रहा है जो कि मेरे माइंड में मुझे लगता नहीं ये गलत बोल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उनको नहीं सुनूंगा, ठीक। और इसको हम बोलते हैं क्लोज माइंड। नॉन वर्बल साइंस ऑफ इनइफेक्टिव लिसनिंग, अब नॉन वर्बल साइंस देख लेते हैं। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, लिसनर्स हु आर एंगेज विद द स्पीकर टेन टू गिव आई कॉन्टैक्ट, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट कैन हाउएवर ऑल्सो बी अ साइन ऑफ शाइन। अगर मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा स्पीकर से, उसका मतलब है कि मैं उनको नहीं सुनता हूँ, और दूसरा ये कि या फिर मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला हूँ। नेक्स्ट इज एन इनअप्रोप्रिएट पोस्चर, स्लाउच, लीनिंग बैक और स्विंगिंग ऑन अ चेयर, लीनिंग फॉरवर्ड ऑन टू अ डेस्क और टेबल एंड और अ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग पोस्चर। पीपल हु आर पेइंग अटेंशन टेंड टू लीन स्लाइटली टूवर्ड्स द स्पीकर। इनअप्रोप्रिएट इनकरेक्ट पोस्चर, या फिर मैं ज़्यादा झुक के बैठा हुआ हूँ, या फिर पीछे कुर्सी के पीछे बैठा हुआ हूँ पीठ करके, या फिर टांग हिला रहा हूँ, या फिर मैं खुद हिल रहा हूँ, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा झुक के बैठा हुआ डेस्क या टेबल पे, या फिर मैं बार बार अपनी जो पोजीशन उसको बदल रहा हूँ, तो ये भी दिखाता है कि मैं आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बींग डिस्ट्रैक्टेड, फिजिटिंग, डूडलिंग, लुकिंग एट वॉच और यॉनिंग, मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। डिस्ट्रैक्ट बहुत तरीके से होता है, मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ, जमाइयाँ ले रहा हूँ, कॉपी में कुछ लिख रहा हूँ, अपने कपड़ों को टच कर रहा हूँ, बाल को टच कर रहा हूँ, फाइन। सो दिस इज ऑल्सो नॉन वर्बल साइन ऑफ इनइफेक्टिव लिसनिंग। इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस एंड लैक ऑफ हेड नोट्स, एक्सप्रेशन मैं ऐसे दे रहा हूँ जो चेहरे के हाव भाव जो कि मैच नहीं कर रहे हैं उस सिचुएशन से, सिर बिल्कुल नहीं हिला रहा हूँ मैं। ऑफन व्हेन अ लिसनर इज एंगेज्ड विद द स्पीकर दे नोट दे हेड, दिस इज यूजुअली एन ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस वे ऑफ इनकरेजिंग द स्पीकर एंड शोइंग अटेंशन। तो जब भी हमें कोई कुछ बोलता है तो जाहिर सी बात है हम अपना सर हिलाते हैं, वो नेचुरली हिलता भी है। अगर हम अग्री करेंगे तब भी हिलेगा, अग्री नहीं करेंगे तब भी हिलेगा। अगर आप बिल्कुल सर नहीं हिलाए तो उस सामने वाले स्पीकर को समझ आएगा कि आप बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। द नेक्स्ट इज सडन चेंजेस इन टॉपिक, व्हेन द लिसनर इज डिस्ट्रैक्टेड दे मे सडनली थिंक अबाउट समथिंग एल्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द स्पीकर एंड अटेम्प्ट टू चेंज द कॉन्वर्सेशन टू द न्यू टॉपिक। अब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, लिसनर इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कोई और दूसरा टॉपिक पूछ लेगा स्पीकर से, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ताकि जो स्पीकर है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आसानी से भूल जाए, ठीक। तो अगर कोई सडनली कोई टॉपिक चेंज करे तो समझ जाएंगे हम कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है टॉपिक में। सिलेक्टिव लिसनिंग, दिस अकर्स व्हेन द लिसनर थिंक्स दे हैव हर्ड द मेन पॉइंट्स और हैव गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से, दे फिल्टर आउट व्हाट दे परसीव एज बीइंग ऑफ की इंपॉर्टेंस एंड देन स्टॉप लिसनिंग और बिकम डिस्ट्रैक्टेड। सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब बहुत ही सिंपल है, आप पूरी कॉन्वर्सेशन में से बस वही पार्ट सुन रहे हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और बाकी पार्ट्स को आप नहीं सुनते हो, ठीक। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। अब यहाँ पे एक और वर्ड है फिल्टर आउट, तो आप फिल्टर क्या कर रहे हैं, आप फिल्टर वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको पता है कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट, तो आपने बस सुन लिया, बाकी सब के लिए आप कान पे हाथ रख के आराम से बैठ गए, बैठे हुए हो आप।
सो दिस कॉल सिलेक्टिव लिसनिंग, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिसनिंग है क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट कर देते हैं आप। द नेक्स्ट इज डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग कैन अकर व्हेन द लिसनर हियर्स समथिंग दैट सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ अनरिलेटेड थॉट्स इन देयर हेड, दे बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर ओन वर्ल्ड एंड अडॉप्ट अ फार अवे लुक। सिंपल, दिन में सपने देखना, स्पीकर अपना लेक्चर दे रहे हैं और आप दिन में सपने देख रहे हो कि हाँ मैं ये करूँगा उसके बाद मैं ये करूँगा। सो दिस इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग, ये भी एक तरह का बैरियर है। नेक्स्ट इज एडवाइजिंग। सम पीपल वॉन्ट टू जम्प इन अर्ली इन अ कॉन्वर्सेशन एंड स्टार्ट टू ऑफर एडवाइस बिफोर दे फुली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और कंसर्न्स ऑफ द स्पीकर। बहुत सारे लोग एडवाइस करना होता है, सलाह देना, तो जब भी कोई कॉन्वर्सेशन लेक्चर चल रहा है तो लोगों की आदत होती है वो कॉन्वर्सेशन में कूदते हैं बीच में और अपनी सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, और वो बहुत जल्दी मिलते हैं अर्ली इन द कॉन्वर्सेशन। तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, एडवाइस देना है दैट्स फेयरली इनफ, बट आफ्टर द कॉन्वर्सेशन, वंस द कॉन्वर्सेशन हैज एंडेड, जब कॉन्वर्सेशन खत्म हो गए तब आप एडवाइस देंगे, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। फाइन, सो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप यू लर्न समथिंग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। सी यू द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन।